अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैं आज बना रही हूँ सुपर हाईवे की कढ़ाई, कि वहाँ पर किस अंदाज में बनती है और क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। मुझे तो बड़ी पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, सिर्फ मैंने इसमें तेल लिया है, आप घी इस्तेमाल करें या तेल इस्तेमाल करें। और मैं सिर्फ इसके अंदर मैं चिकन डाल रही हूँ बस। अब इस चिकन को मैं खूब अच्छी तरह सूख कर लूँगी, जब तक फिर मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ मुझे क्या करना। अभी मैं मसाले बना रही हूँ, इसमें मैंने चिकन डाल दिया। ये देखिए, अब मैंने इसको खूब अच्छी तरह से मुर्गी को भून लिया, उसका पानी खुश हो गया, जो पिसांदा पानी था ये सिर्फ घी घी रह गया और ये मुर्गी रह गई। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये 6 टमाटर हैं, दरमियानी साइज के 6 टमाटर हैं, 1 किलो मुर्गी है और ये 6 टमाटर हैं, ये डाल रही हूँ इसके अंदर। ये है कि एक है ना कुटा हुआ पिसा हुआ जीरा, एक चम्मच। एक चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच इसमें नमक। नमक कम क्यों है मैं भी बताती हूँ, मैंने क्यों कम डाल दिया। और एक चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, घर का पिसा हुआ। एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चमची आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको मिला दूँगी। मिला के अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि मुर्गी भी गल जाए और ये टमाटर भी गल जाए। इसको मैंने ढक दिया, अब ये जाएगा आखिर में, ये जाएगा आखिर में कि ये क्यूब है, इसका मैं पानी बनाऊंगी। आधा चम्मच सफ़ेद मिर्चें, दखनी मिर्ची जिसे कहते हैं, आधा चम्मच काली मिर्चें और ये आधा चम्मच है सौंठ का पाउडर, सौंठ का पाउडर क्यूब और दखनी मिर्चें, काली सफ़ेद मिर्चें और काली मिर्चें, ये जाएगा और ये जाएगा। अभी ये एक चीज़ मैं भूल गई, बताती हूँ, भूल गई, एक चीज़ नहीं बल्कि दो चीज़ें भूल गई। ये चाय, हाँ ये है कढ़ाई मसाला, एक और ये दो चमचे कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई मसाला है। और ये आधे से ज़रा सा ज़्यादा चाइनीज़ नमक, मैं बिल्कुल वही बता रही हूँ जो वहाँ कढ़ाई में डलता है। अगर आपको कुछ चीज़ कम ज़्यादा लगे, चाइनीज नमक है, सौंठ का पाउडर है, काली मिर्च है, ये तो खैर हर घर में, मैं ज़रा सा कम जो डालती हूँ आप लोगों के सामने, पहले कुछ कम खाता है मैं तो फिर बाद में सही कर लेती हूँ अपने घर के हिसाब से। मगर अगर ज़्यादा आपके घर में खाया जाता है चटपटा तो उसके हिसाब से आप करें। अब ये आखिर में ही जाएगा क्या ना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और ये दही जाएगी हिसाब से, और ये कसूरी मेथी बस, और कुछ भी नहीं। अभी ये टमाटर भून जाए, मुर्गी भून जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल भून गया, मुर्गी भी गल गई और सारे टमाटर मसाले वसाले सब कुछ हो गया, बड़े मज़े की और टेस्टी बन रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए ये अपना ये सौंठ का पाउडर आधा चम्मच, आधी चम्मच काली मिर्च है और ये कसूरी मेथी एक चम्मच भर के, और ये है सफेदी दखनी मिर्च, ये तो हरा धनिया इसमें आधा डाल रही हूँ, आधा डाल लेंगे और ये दही डाल देंगे। दही से अपने हिसाब से टेस्ट करके डालें कैसी है, किस तरह से। ये हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें डाल दें,
ये मैं दही का पानी भून रही हूँ, तैयार तो है, बस दही का पानी भून के फिर ये मैंने बनाया है। क्यूब को पानी में घोल लिया, इसका पानी डालूंगी। कुकर क्यूब का पानी डाल दिया मैंने ताकि थोड़ा सा मसाला भी बन जाएगा और हो जाएगा। ये इतने कतरे ये नींबू के आधा नींबू है ना, जबरदस्त, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं। अब जरा सा इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये सुपर हाईवे की कढ़ाई तैयार हो चुकी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत मज़े की बनी है। मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, सब वही चीज़ें डाली जो आपके सामने डाली थी। एक बात का ख्याल रखना, नमक कम डालना क्योंकि चाइनीज़ क्यूब में भी नमक और था उसके अंदर, और जो मैंने कढ़ाई मसाला डाला था उस पर भी नमक था। अगर हम अपने हिसाब से नमक डाल देते एक चमचा तो नमक तेज़ हो जाता। मिर्चें वगैरह सब वही हैं, मिर्चें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर वो काली मिर्चें, हरी मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें, गर्म मसाला, ये तीन चार मिर्चें डलेंगे तो मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। तो बिल्कुल एक ही चमचा पिसे मिर्चों का डालें और सबको जो मैंने डाला इसी तरह डालें, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी अगली रेसिपी। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाकर मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।